तो वेनम के आखिरी नाच का आखिरी ट्रेलर देखो आ चुका है और सोनी वालों ने देखो चाहे एक स्पाइडरमैन नहीं दिया बट सीधा गॉड ऑफ सिम्बियोट से नल को ही मुंह पे फेंक मारा है। एंड ऑनेस्टली दिस एक्चुअली लुक्स कि वेनम और फैम इस बार इस मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट को हरा तो नहीं पाएंगे बट बस सर्वाइव करने के लिए ही ऑल आउट जाने वाले हैं। सो हम भी आ गए हैं सारे डिटेल्स और सवालों के साथ ऑल आउट जाएंगे कि नल आखिरकार चाहता क्या है, ये वेनम के पीछे क्यों पड़ा है और ये स्पाइडरमैन 4 को कैसे सेटअप कर सकता। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो पहले ट्रेलर से देखो हमें दो चीजें तो ऑलरेडी पता चल गई थी कि 616 से लौटते ही हमारे वेनम और एडी साहब ऑन ए रन है बिकॉज़ ऑब्वियसली भाई साहब हमारे चिविटी लीजियो 4 के ज्यूरी वाले तो इनके पीछे पड़े ही हैं बट वेनम साहब के गांव वाले भी सीधा आसमान से टपक चुके हैं इन्हें साफ करने के लिए। तो नाउ हमारा फाइनल ट्रेलर यहीं से स्टार्ट होता है। ये प्रोबेबली हमारे भागते भागते ऐसे किसी एक एयरप्लेन में टॉम क्रूज की तरह चिपक के ऐसे निकल लिए होंगे बट वो जंपर की औलाद ज़ेनोफिया जो वहां भी टूट पड़ता है तो एडी भाई प्लेन से कूद जाते हैं और वेनम एक पैराशूट बन के दोनों को बचा लेता है। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। बट असली रिवील तो सर लैंडिंग के बाद ही होती है जब वेनम हमारा फाइनली रिवील करता है कि उन ज़ेनोफेजेस को धरती पे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका क्रिएटर नल ही है बिकॉज़ अपेरेंटली उसे एडी और वेनम से कुछ चाहिए। उस पे तो डेफिनेटली बात करेंगे कि क्या चीज हो सकती है बट इसी दौरान भाई हमें सिम्बियोट्स के हाइव माइंड का भी एक प्रॉपर लुक मिल जाता है जिसमें कार्नेज से लेकर ये बाबू साहब शायद रायट हो सकते हैं और बाकी सारे सिम्बियोट्स की मेमोरीज है एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे टॉफर ग्रेस का वेनम भी यहीं पे दिखेगा। बट इसके बाद हमारी डॉक्टर पेन रिवील करती है जिन्होंने एक्चुअली बाय द वे ज़ेनोफेजेस को आते हुए भी देखा था कि भाइयों और बहनों सिम्बियोट्स हमारे धरती पे ऐसे रैंडमली घूम घाम के क्रैश नहीं हुए, ये एक्चुअली नल से भागते हुए ही यहाँ पे आए हैं। और पूछोगे क्यों तो ज्ञान की छींटे फेंकता हूँ। तो कॉमिक्स में बेसिकली हुआ क्या था कि नल ने हमारे सारे सिम्बियोट्स को बनाया तो था यूनिवर्स में डार्कनेस ऐसे फैलाने के लिए और बनाने के बाद ऐसे हर कोने में भेज दिया जहाँ पे रोशनी हो बट आफ्टर सम टाइम भाई जब सारे सिम्बियोट्स ने अपना खुद का एक इंटरकनेक्टेड हाइव माइंड डेवलप कर लिया तो इन्होंने फट से डिसाइड कर लिया कि अब हम गुलामी घंटा नहीं करेंगे, अब हमको चाहिए प्रॉपर आजादी। तो फिर क्या, ये सीधा फिर यू टर्न मार के वापस गए और नल को भाई नींद में डाल के क्लिंटार में ट्रैप कर दिया और जब तक ये सफेद बाल सो रहा था तब तक एवरीथिंग कुशल मंगल बट इयोन्स बाद जब ये जागा इसने सिम्बियोट्स क्या अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर सेलेस्टियल्स सेंट्री सिल्वर सर्फर आलू भुजिया सबकी लगा एंड बाय द लुक्स ऑफ इट यहाँ भी अब नल साहब प्रॉपर जाग चुके हैं। जाग क्या, जागते ही अपने पालतू ज़ेनोफेजेस को रवाना भी कर दिया है। वैसे हाँ, अगर तुमने यहाँ पे नोटिस किया भी होगा तो ये क्लॉ जैसी चीज मुझे लग तो रही थी कि नेक्रोसॉर्ड का बैक एंड होगा बट उसके तो ऑब्वियसली हमारे टाइगर बाबू ने चीथड़े उड़ा दिए तो मे बी ये कोई और ही नेक्रोसॉर्ड का रिप्लेसमेंट नल का वेपन हो सकता है। पर ऐसे यापिंग नहीं कर रहा, ध्यान दोगे तो इसके जस्ट ऊपर कुछ एनर्जी टाइप चीज थी। सो आइदर वो एनर्जी नल के चारों तरफ का कोई सील्ड होगा या तो भाई इस वेपन से ही निकल रहा होगा। बट यहाँ पे फिर अगर सोच रहे हो कि इतने पावरफुल एंटिटी को वेनम जैसे सिम्बियोट से क्या ही चाहिए जिसकी हालत लिटरली कार्नेज को ही हराने में टाइट हो गई थी, बिकॉज सोच नहीं रहे तो सोचो क्योंकि मे भी इसका जवाब ही तुम्हें पूरे फिल्म के क्या इसके आगे भी सोनी के प्लान्स का आइडिया दे देगा। लाइक मेरे हिसाब से दो पॉसिबिलिटीज है। लाइक पहला कि क्योंकि हमारे वेनम और एडी का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है तो नल प्रोबेबली एडी का कोडेक्स लेना चाहता होगा से वो हाइव माइंड पे कंट्रोल कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली भाई सीधा गणित है, उस पे कंट्रोल कर लिया तो फिर से सारे सिम्बियोट्स पे भी कर लिया। या तो किंग इन ब्लैक के पन्नों को पलटाए तो ये भी हो सकता है कि उसका एक लिटरल हिस्सा एक्चुअली वेनम के थ्रू एडी में चला गया हो जिसे ऑब्वियसली भाई वो वापस पाना चाहता हो अपने फिर से फुल पोटेंशियल पे आने के लिए। इनफैक्ट मे बी इसीलिए टॉक्सिन तो बोलता ही है कि अगर ये वेनम और एडी बच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खलास आरआईपी। बट डॉक्टर पेन भी सेम चीज कहती है कि धरती को बचाना है तो तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, जूरी वाले और टॉक्सिन हमारे शायद नल के धरती पे आके उस चीज को वेनम से फिर से वापस लेने से पहले ये वेनम को हिसाब करना चाहते हैं। बट नादान बालकों को क्या ही पता कि मे भी जो चीज नल ढूंढ रहा है वो शायद वेनम के पास हो ही ना, मतलब पहले था बट नॉट एनी मोर। लाइक एडी साहब हमारे एमसीयू का चक्कर तो लगा के आए ही है तो व्हाट इफ देखो नल का वो हिस्सा एक्चुअली वेनम एमसीयू में ही ड्रॉप करके चलाया और इस तरह नल सोनी यूनिवर्स के बाद सीधा भाई फिर एमसीयू पे
भी अपना और रात बरसाएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू कि नल भाई कोई गौर की तरह बच्चा चोर नहीं है, टपनी मार के हरा देंगे। ये चंदू पिंटू चिंटू लोग उसे छू तक नहीं पाएंगे। वो एक मल्टीवर्सल एंशियंट डेटी है। वो 4 टन मॉर्बियस, 7.5 टन क्रेमन और 50 टन मैडम वेब जैसों को सुबह के नाश्ते में खा जाता होगा। सो मुझे तो भाई टोटली लगता है कि वो इस फिल्म में कुछ बड़ा करेगा ही नहीं। लाइक वेनम और टॉक्सिन हमारे मिलके ज़ेनोफेजेस को हरा भी दिया तो वो मैक्स टू मैक्स अपना ग्रेंडल ड्रैगन ही भेज देगा इन्हें टपकाने के लिए। एंड आई थिंक वही ही ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। और नल का ये बस यहाँ पे थोपड़ा दिखा के कुछ बहुत ही बड़े के लिए तैयार करेंगे। एंड मिलॉर्ड सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इट्स नाउ कन्फर्म्ड टू। सो माई गेस इज कि अगर हमारा वेनम 4 नहीं आ रहा तो आइदर ये नल को कोई बहुत ही बड़ी क्रॉस ओवर इवेंट के लिए सेटअप कर रहे हैं, लाइक अवेंजर्स लेवल, या तो भाई नल अब सीधा स्पाइडरमैन 4 का ही विलन होगा। इस पे और भी आगे बात करेंगे, चिंता मत करो। बट इसके बाद हमें वेनम फेस का भी पहला दर्शन हो गया। और सिर्फ अकेले ये नहीं होंगे, वेनम मेंढक भी होगा। वेगस के कुछ और सोर्स मिले, फिलहाल वहाँ पे हमारे वैसे रिसोर्स भी चल रहे हैं, सो गॉड नोज वहाँ क्या ही होने वाला है। फिर ज़ेनोफेज के बेस पे अटैक वाला सीक्वेंस जिसमें जूरी वाले जो उखाड़ेंगे वो तो हम सबको पता ही है, बट मे बी यहाँ पे इन लोगों ने शायद वेनम को एडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो अटैक के बाद एडी और वेनम फिर से बॉन्ड होके लड़ना चालू कर दिया। एंड आई काइंड ऑफ लव इट कि कैसे एडी कह रहा था कि उसे वेनम चाहिए, तो वेनम भी कहता है कि मेरे लास्ट मोमेंट तक तुझे ही चिपका रहूंगा। अलग चला गया। जो भी हो, आई थिंक ये फाइनल वाले बैटल का सीन ही होगा। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, नल तो भाई डेफिनेटली लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे क्या, मैं भी शायद धरती पे ही नहीं आएंगे। फिर ज़ेनोफेजेस को हम 500 बार ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो पक्का फाइनल बैटल में हमारे वेनम और फैम किसी और से ही लड़ने वाले हैं। आइदर नल का भेजा हुआ कोई और सिम्बियोट होगा या तो ग्रेंडल होगा। एंड फिर भी देखो, चिंता करो मत, स्पॉइलर अलर्ट, ये उसे भी हरा देंगे। बिकॉज जितना हम सोनी को जानते हैं, ये स्पाइडरमैन को तो दिखाते हैं नहीं, वेनम ही इनका फेस है, तो ये वेनम के आखिरी कतरे तक मिल्किंग करेंगे ही करेंगे। तो कोई बड़े वाले स्पाइडरवर्स मूवी या सीक्रेट वॉर्स तक टर्म्स आपका वेनम कहीं नहीं जाने वाला। तो हाँ गाइस, ट्रेलर देखो इतना ही था। तुम्हारे विचार क्या है, थ्योरीज क्या है, लेट मी नो। और नल का वैसे सुनने मिल रहा था कि नॉर्मन रीडस प्ले कर रहे हैं, सो दैट वुड बी ए ह्यूज W। और ऐसे ही रापचिकदार मल्टीवर्सल नल्लेदार रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।